सड़क पर McGill University के पास ही तो मैं प्रभुपाद जी को जून 1st को मिला था। और प्रभुपाद जी का एक ही संदेश था, कृष्ण भक्ति को लो। प्रभुपाद जी को बड़ा दुख होता था देखकर कि हम भारतवासी इतनी गंभीरता से इस शिक्षा को नहीं ले रहे। जैसे आप जानते हो, विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए। और उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, लीग ऑफ डिवोटी, पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। फिर प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेशों में उन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की। पहले केंद्र खुले अमेरिका में, कनाडा में, फिर यूरोप में। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अब मुझे भारत लौटने दो और अपने 100 विदेशी शिष्यों के साथ प्रभुपाद भारत में आए 1972 में। जब भारत में आए थे पहली बार इतिहास में भारतीयों ने देखा विदेशियों को तिलक के साथ साड़ी में धोती कुर्ते में। वो बड़े प्रभावित हुए, बड़ा से जुड़ने लगे। प्रभुपाद जी की यही इच्छा थी।